ये और सुन गई इसके से आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कई सारे सभी लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि बिग माफिया के बेटे ने अभी माइकल ट्रेवर एंड लेस्टर को अपने अंडर कर रखा है, यानी कि एक टाइप से किडनैप कर रखा है और अपने लिए काम करवा रहा है। तो उसने ना लास्ट टाइम माइकल को बोला था कि अगर तुम मेरे लिए डायमंड कैसीनो के लॉकर से सीक्रेट पेंटिंग चुरा कर लाओगे, मतलब कि जिसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बिलियन डॉलर्स में है, तो वो पेंटिंग्स अगर मैं इसको लाकर देता हूं, तो इसने मुझे कहा था कि ये लेस्टर को यहां से जाने देगा, यानी कि हम तीनों में से लेस्टर को छोड़ देगा। बट यार इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इसने लेस्टर को बहुत मारा। अब जब उसके बाद मैंने इसे मना करा लेस्टर को मत मार, तो भाई इन सब ने मिलकर यहां पर माइकल को भी बहुत मारा। अब आप में से ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तुम ना इसे मार क्यों नहीं देते, आपके पास इतने सारे मौके रहते हैं इसको मारने के लिए। तो देखो यार सीधी सी बात है, यहां पर मैं भी चाहूं तो गन छीन के इसको मारना शुरू कर दूं और यहां पर जाकर बिग माफिया के बेटे को भी मार दूं। लेकिन यार दिक्कत की बात ना सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लेस्टर और ट्रेवर भी मर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं मान लो वहां पर मैं उसको मार रहा हूं और जो बाकी यहां पर सोल्जर है उन्होंने आके ट्रेवर को मार दिया, फिर ट्रेवर को कहीं और पकड़ कर ले गए, तो वो बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो वो चीज ना गाइस आप लोग नहीं समझ रहे। तो यही एक रीजन है जिस वजह से यहां पर मैं इनको नहीं मार रहा हूं फिलहाल। अभी ना यहां पर मैं बिग माफिया के बेटे के पास दोबारा से जा रहा हूं, क्योंकि यार उसने मुझे बोला था कि अगर तुम मेरा दूसरा काम भी करोगे तो यहां पर वो हम तीनों को छोड़ देगा। देखो यार मेरे को पता क्या लग रहा है कि इस बार फिर से झूठ बोलेगा, हम लोग इसका तीसरा काम भी कर देंगे और ये फिर से हम तीनों को नहीं छोड़ेगा। मेरे को तो देखो यार ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो अभी ना जल्दी से अंदर चलता हूं, इससे बात करके देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, बिग माफिया का बेटा ना कुछ ज्यादा ही चोड़ में बैठा हुआ है। तो भी ना जल्दी से इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है और इसके लिए हमें अब क्या करना होगा। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर बिग माफिया के बेटे से बात हो गई है और यार ये कह रहा है कि ना ये जो इसके फादर का बिजनेस है ड्रग्स का, ये उसको कंटिन्यू करना चाहता है। तो भी ना सीन ये हुआ है कि जो इसके सारे के सारे ड्रग्स इसके फादर के बेस पे थे ना, तो सारे के सारे ड्रग्स है ना मतलब कि मिलिट्री वालों के हाथ लग गए हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि मिलिट्री तो यार खुद इसके अंडर है, तो डायरेक्टली जाकर क्यों नहीं ले आता। तो देखो भाई सीधी सी बात है, इसके अंडर मिलिट्री नहीं है, इसके अंदर कुछ स्वैट सोल्जर्स हैं जो कि पुलिस वालों के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं इसके लिए, वो भी पुलिस वालों के ड्रेस में, ताकि बाहर के जो मतलब बंदे हैं उनको भी इसके ऊपर शक ना हो। तो गाइस यार देखो अभी मैं बताता हूं इसने हमें क्या करने के लिए बोला है। तो हमें बस वहां पर जाना है और जितने भी मिलिट्री गार्ड्स है ना उनके बीच से इसके लिए जो मतलब इसके जितने भी ड्रग्स हैं जो भी वहां पर पुलिस वालों ने जब्त कर लिए वो सारे के सारे लेकर आने हैं। अब देखो यार ये काम जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल तो है, लेकिन यार इस टाइप के काम जो है मतलब मिलिट्री से भिड़ने वाले मैं पहले भी कर चुका हूं। बट यार दिक्कत की बात यह है कि अगर मैं ये वाला काम कर भी देता हूं, मान लो ये फिर भी ट्रेवर को ना छोड़े, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही। तो मुझे ना उस चीज का भी शायद से इंतजाम करना पड़ सकता है। तो इसने मुझे बोला कि अभी तुम चाहो तो अपने साथ ट्रेवर को ले जा सकते हो, क्योंकि इस वाले काम में लेस्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भी जल्दी से मैं ट्रेवर को अपने साथ लेकर चलता हूं, लेकिन ये लेस्टर को यहां से नहीं जाने देगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने ट्रेवर को बाहर बुला लिया, जल्दी से आजा भाई साइड से। अभी ना फटाफट से हम लोग यहां पर एक गाड़ी पकड़कर निकल लेते हैं और जैसे ये परमिशन दे देता ना हमें यहां से जाने की, जितने भी सोल्जर्स है ना वो हमारा पीछा करना वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं। तो भी ना जल्दी से मैं आगे चलकर गाड़ी में बैठता हूं और ये गाड़ी यहां से निकल भी पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी पता नहीं, वरना आगे जाकर हमें गाड़ियां तो मिल ही जाएगी। और यहां पर भी ट्रेवर भी जो है भाग कर आ गया है। अब यार देखो दिक्कत की बात पता है, आप लोग सोच रहे हो यार मैं डायरेक्टली क्यों नहीं मार देता हूं इसको, सिंपल तो है। तो गाइस यार देखो एक तो ना सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, यहां पर मैं बिग माफिया के बेटे को तब तक नहीं मार सकता हूं जब तक ये लोग ना चेकिंग करते रहेंगे। मतलब यार जब भी मैं यहां पर अंदर एंटर होता हूं ना, तो ये लोग चेकिंग करके जितने भी वेपन्स मेरे पास होते हैं ना ये सारे के सारे यहां पर बाहर निकाल देते हैं। तो अभी ना यहां से अपनी गाड़ी को बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल है, उस साइड से अपनी गाड़ी आराम से बाहर हो जाएगी। तो गाइस यार मेरे को तो नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है यहां से बाहर जाने वाली है, मतलब कि ना ये थोड़ी बहुत अटक सी जा रही है। तो यहां पर ना फटाफट हम लोग आगे चलते हैं पैदल, तो शायद से ना आगे मुझे कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिल जाएगी। ये देखो एक गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, इन भाई साहब की वजह से सोल्जर्स मुझे कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि इनको पता है मैं बिना परमिशन के ना कोई भी चीज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर फिलहाल जो है ट्रेवर भी भाग कर आ गया है और ट्रेवर की कल इतनी ज्यादा पिटाई हुई थी फिर भी आज इतनी चोड़ में चल रहा है। तो अभी ना जल्दी से आकर सबसे पहले हमें ना वेपन्स का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये लोग तो वेपन्स देते हैं नहीं, उल्टा छीन अलग लेते हैं। तो भी जल्दी से यहां से मैं निकल लेता हूं सबसे पहले लॉस सैंटोस के लिए, और यहां पर जो इसके ड्रग्स हैं उसको भी ना जल्दी से हम लोग लेकर आते हैं, फिर ये हम तीनों को छोड़ देगा। अब लेकिन इस चीज के भी सिर्फ और सिर्फ 60% चांस है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी यूएस भगाते भगाते टनल में बहुत ज्यादा आगे तक आ चुका हूं और यार यहां पर ना भी सोल्जर्स की जो मतलब की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतलब की हर जगह हर एक पिलर पे सोल्जर ही सोल्जर यहां पर खड़े कर रखे हैं। और अभी फिलहाल मैं एग्जिट गेट पे पहुंच चुका हूं, अभी ना जल्दी से मैं यहां से बाहर निकल लेता हूं। अभी ना फटाफट से ये लोग ये वाला गेट खोलेंगे और यहां से मैं निकल लूंगा सीधा बाहर। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना इन लोगों ने ये वाली टनल का जो गेट है ये खोल दिया है और जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी को यहां से बाहर कर लेता हूं। बाकी यार आप लोग भी यहां पर देख पा रहे हो कितना ज्यादा सीक्रेट गेट इन लोगों ने बना रखा है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना इन लोगों ने ये वाला गेट बंद कर दिया और ये जो टनल के गेट है ना ये इन्होंने फटाफट से खोल दिया। मतलब यार सच्ची में ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा चालू किस्म के हैं। अगर ना ये लोग टनल बंद कर देते हैं
तो समझ लो कोई भी बंदा फिर यहाँ पर अंदर एंटर नहीं हो सकता। फिलहाल फटाफट से ना मैं अपनी जो है गाड़ी भगाता हुआ यहाँ से निकल लेता हूँ। और यार ये जो यूएस है बहुत ज्यादा डेंजरस है। और भाई प्लीज 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 अभी कोई दिक्कत नहीं चाहिए भाई, बहुत बुरी तरह गिरी है लेकिन बच गए। मतलब कि देख रहे हो कितने ज्यादा पावरफुल व्हीकल्स इनके पास होते हैं, मतलब कि इतने बढ़िया तरीके से बचाओ ना पूछो मत। तो यार देखो अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और यार बेचारे ये लोग टूर पे आए हुए हैं और मैं इतनी बुरी तरह गाड़ी चला रहा हूँ कि अगर एक भी ठुका ना सीधा नीचे जाकर गिरेगा। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी जो है भगाता भगाता यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और देखते हैं यार आज का जो इसका काम है वो हम लोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। वैसे यार मिलिट्री वालों से ड्रग्स ही चुरा कर लाने हैं, अब मेरे और ड्राइवर के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट यार अगर हो सकता है कि ड्रग्स जो है मिलिट्री वालों ने उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी रखी हो तो फिर यार से चुराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को। और हाँ यार आप में से ना बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो सभी लोग। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी यूएस भगाते भगाते हाईवे पर पहुंचने वाला हूँ। और यहाँ से मुझे लॉस सैंटोस पहुंचने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि अपनी गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन गाइस यार एक ना दिक्कत की बात है, मतलब कि ना ड्राइवर मुझे ये कह रहा है कि ना इसने बिग माफिया के बेटे की ना बातें सुन ली थी। मतलब जब रात के 3 बज रहे थे जब सारे के सारे सो रहे थे बस सोल्जर्स आगे हुए थे तो वो ना सोल्जर्स से ये बात कर रहा था कि अगर जैसे ये मतलब कि मेरा दूसरा काम भी कर देंगे तो वो लेस्टर को छोड़ के माइकल और ट्रेवर को मार देगा। मतलब कि यार उसके दिमाग में ना अभी ये चल रहा है कि अगर वो लेस्टर को अपने साथ कर लेता है तो यार वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। और उसका प्लान ये है कि अगर जब तक माइकल और ट्रेवर जिंदा रहेंगे तो ये लोग लेस्टर को बचाने में ही लगे रहेंगे। तो देखो यार बिग माफिया के बेटे ने मुझे ये कहा था कि अगर हम लोग 10 घंटे के अंदर उसके ड्रग्स मिलिट्री वाले से वापस नहीं ला कर देंगे तो वो लेस्टर को मार देगा। और यहाँ पर ट्रेवर कह रहा है कि अगर हम लोग उसका ये वाला काम भी करते हैं तो भी वो पहली बात तो हमें छोड़ेगा नहीं, उल्टा माइकल और ट्रेवर दोनों को मार के खेल खत्म कर देगा ताकि लेस्टर जो है उसके अंडर हो जाए और लेस्टर को कोई भी बचाने वाला ना बचे और वो खुद लॉस सैंटोस पर राज करे। अब यार देखो ना समझ नहीं आ रहा किया क्या जाए, मतलब कि उस बंदे को मारा जाए या फिर उसके लिए काम किया जाए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बट यार अपना ना सिर्फ अभी एक ही टारगेट है, मतलब कि हमारे पास 10 घंटे का टाइम है और हमें कुछ भी करके लेस्टर को वहां से लेकर आना है। अभी देखो यार वहां पर सब कुछ ठीक हो चुका है, ट्रेवर अंदर था, ट्रेवर भी बाहर आ चुका है, बट यार लेस्टर अंदर ही रह गया है। और उसको पता है लेस्टर एक ऐसी चीज है जिसके दम पर ये सारे के सारे काम करते हैं। तो यार अभी ना हमें कुछ भी करके अपना दिमाग लगाकर अपना प्लान बनाकर लेस्टर को जो है वहां से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यार अभी ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर चला गया। यार फ्रैंकलिन को ना एक बार ही कॉल लगाता हूं, जब लास्ट में हमारी फाइट हुई थी ना तो फ्रैंकलिन जो है झटके से गायब हो गया था। तो अभी ना फटाफट से एक बार ना फ्रैंकलिन से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जल्दी से यहां पर मैं एक बार ना फ्रैंकलिन को कॉल लगाकर देखता हूं कि आखिरकार उसका नंबर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। और ये जो फ्रैंकलिन का नंबर है ना ये बहुत ज्यादा सीक्रेट नंबर है, उसने ये नंबर किसी को भी नहीं दे रखा है। अभी फटाफट से ना उसको मैं कॉल लगाता हूं और देखते हैं हमें फ्रैंकलिन मिलता है या फिर वो भाई साहब उसने फोन उठा लिया। सबसे अच्छी बात तो ये बेल भी गई थी और यहाँ पर वो किस चीज की बात कर रहा है, देखते हैं क्या सीन है अभी। तो देखो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन से बात होगी। और यार सबसे अच्छी बात पता क्या है, उसके साथ ना अंडर वाटर माफिया भी है। मतलब कि जब लास्ट टाइम वहां से फ्रैंकलिन भागा था ना तो वो ये कह रहा था कि ना उसके बहुत ज्यादा चोट लगी थी, बहुत ज्यादा गोलियां लगी थी और उसके सामने गाड़ी खड़ी थी तो जल्दी से गाड़ी में बैठ के भागा और वहां पर बीच रास्ते में उसे अंडर वाटर माफिया भी मिल गया। और साथ में वो भी मिला था मतलब कि जो लेस्टर का पार्टनर था, बट यार वो बहुत ज्यादा घायल हालत में है तो अभी वो हॉस्पिटल में, वो ठीक नहीं हुआ। फ्रैंकलिन ने मुझे अपनी लोकेशन बता दिया जहां पर वो अंडर वाटर माफिया के साथ छुप के बैठा हुआ है। तो भी ना जल्दी से मैं उससे मिलने चलता हूँ। लेकिन यार उसने ना मुझे बोला कि ना वो किसी एक ट्रेन के वेयर हाउस में छुप कर बैठा हुआ है जहां पर ना मतलब कि मालगाड़ी में सामान लोड होता है। अब यार देखो इस टाइप की जो जगह है ना वो लॉस सैंटोस में एक नहीं है, 2-3 उस टाइप की जगह है। तो ना अभी जल्दी से मुझे एक जगह याद है तो वहां पर चलकर देखता हूँ, क्या पता फ्रैंकलिन मुझे वहीं पर मिल जाए। तो यहां पर देखो वहां जाने के लिए ना मुझे अपनी गाड़ी को यहां से नीचे उतारना पड़ेगा। तो वो वेयर हाउस मैंने देखा था, वो देखो सामने की तरफ में शायद से इसी वाले वेयर हाउस में हो सकता है फ्रैंकलिन। बाकी ना यहां पर सामने की तरफ में पुलिस वालों की तो गाड़ी खड़ी है और यहां पर इसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। और ये गाड़ी की क्या हालत हो रखी है भाई, अब तो मैं कंफर्म हूं कि फ्रैंकलिन यहीं पर है। भाई साहब गाड़ी कितनी बुरी तरह ठोकता ठोकता यहां पर लेकर आया है। तो भी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, अपनी ना गाड़ी में बैठ के चल लेते हैं। मेरे को लग तो रहा है कि फ्रैंकलिन अंदर ही होगा क्योंकि अगर वो छुप के बैठा है मतलब कि वहां से जब वो भाग कर आया था तो क्या पता वो इसी गाड़ी में बैठ कर आया हो। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। यहां पर अभी तो फिलहाल मेरे को कहीं पर भी फ्रैंकलिन उतरी है, देखो भाई साहब यहां पर भी आपको नजर आ गए फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया। तो भी ना जल्दी यहां पर ये उदास किस लिए बैठा हुआ अंडर वाटर माफिया, तो यहां पर अभी इन लोगों ने ना मेरे को देखा नहीं है। तो जल्दी से इनसे बातें करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने सारी की सारी बात फ्रैंकलिन को ऑलरेडी कॉल पर समझा दी थी और मैंने इसको बोला था कि ना जल्दी से कोई प्लान ढूंढो, मतलब कि ना आज हमें कुछ भी करके 10 घंटे के अंदर जो है लेस्टर को बचा के लाना है। मतलब कि अगर 10 घंटे जैसे बीत जाएंगे तो वो जो है लेस्टर को डायरेक्टली मार देगा या फिर हमें ना 10 घंटे से पहले वहां पर उसके ड्रग्स लेकर पहुंचना होगा। तो अभी ना कुछ भी करके हमें कोई भी मिस्टेक नहीं
करनी है वरना यार वो लेस्टर को जरूर मार देगा। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर सबसे पहले पीछे लेता हूँ और सामने ना यहाँ पर वुडन वॉल है जो कि इन लोगों ने बनाई थी इस जगह को ढकने के लिए। तो भी ना जल्दी से इस जगह को मैं तोड़ के बाहर निकल लेता हूँ क्योंकि गाइस अभी ना हम लोग फिलहाल यहाँ पर जाने वाले सीधा ट्रेवर के घर पर, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम पुलिस वालों को फ्रैंकलिन का घर भी पता चल गया था। तो भी ना जल्दी से ट्रेवर के घर पर चलते हैं। और यार अभी ना सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम चारों ने मिलकर ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान बनाया है और उस प्लान में ना मतलब कि हमें तीन चार चीजें करनी है, बट यार वो जो प्लान है ना उसके सक्सेसफुल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखो यार जो फ्रैंकलिन ने प्लान बनाया उस प्लान में करना क्या है हमें, तो आपको पता होगा कि जो बिग माफिया का बेटा है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जब हम लोग उसके ड्रग्स उसे वापस लाकर दे देंगे, यानी कि उसका काम हम लोग अगर कंप्लीट कर देंगे तो वो सीधा माइकल एंड ट्रेवर दोनों को मार देगा। लेकिन गाइस अगर हम लोग एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठ कर अंदर जाए, मतलब एक ऐसी गाड़ी जिस गाड़ी पर बिल्कुल भी गोलियां ना लगे, कुछ भी कर लो, मतलब आग लगा लो कुछ भी कर लो, लेकिन उस गाड़ी को टस से मस ना कर पाए कोई भी। तो देखो भाई जैसा कि ट्रेवर ने कहा था कि जैसे हम लोग उसका काम करेंगे, यानी कि जैसे हम लोग उसके ड्रग्स उसे लाकर दे देंगे, उसके बाद वो माइकल और ट्रेवर दोनों को मार देगा। लेकिन गाइस अगर हम लोग एक ऐसी बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठ कर जाए जिस व्हीकल में ना ही कोई आग लग पाए, जितनी मर्जियां गोली चला लो लेकिन वो गाड़ी फूटे ना और अंदर वाले बंदे को एक भी गोली ना लगे, तो अभी ना हमें किसी ऐसी गाड़ी का जुगाड़ करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइप की जो गाड़ी है ना वो बैनी जरूर बना सकता है। तो भी ना जल्दी से हम लोग इस वाले घर के अंदर चलते हैं। फ्रैंकलिन कह रहे हैं उसे एक जगह पता है जहां पर इस टाइप की गाड़ी मिल सकती है। तो अभी फिलहाल हम लोग ट्रेवर के घर पर आ चुके हैं, यानी एक्लिप्स टावर पर आ चुके हैं। तो यहां पर अभी चलते हैं हम लोग सीधा ऊपर वाले अपार्टमेंट में और देखते हैं वहां पर बैठ के प्लान बनाते हैं और देखते हैं क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहां पर मैं लिफ्ट से जो है ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूं और जल्दी से ना अभी हम लोग ट्रेवर के अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। और भाई यार देखो उसका जो घर है ना बहुत ज्यादा बढ़िया है और यहां पर काफी ज्यादा अच्छी खासी साफ सफाई भी है। तो यहां पर भी बैठकर हम चारों लोग प्लान बनाने वाले हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है और जो वो गाड़ी है वो कहां से मिलेगी। अब लेस्टर को थोड़ी बहुत ना इन्फॉर्मेशन रहती है हर चीज की, बट अरे भी देखते हैं फ्रैंकलिन को भी थोड़ा बहुत पता होता है, इससे पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर फ्रैंकलिन से बात होगी और फ्रैंकलिन कह रहा है जो प्रेसिडेंट की पार्किंग है ना उसमें प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए ना बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं, तो वहां से जाकर हम लोग वो गाड़ी जो है ना चुरा कर ला सकते हैं। और यार ये देखो ये है ट्रेवर का गेमिंग रूम और यहां पर ना अभी फिलहाल मैं इधर आया हूं चेक करने अपने बैंक का बैलेंस ऑनलाइन। तो मुझे पता नहीं यार मेरे बैंक में इस टाइम कितना पैसा, एक बार चेक करता हूं कितना पैसा मेरे पे पड़ा हुआ। ओ भाई साहब $2 भाई, देख रहे हो मतलब कि बिल्कुल पैसा बचा ही नहीं है भाई बैंक में सच्ची में। अभी चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा वैसा तो बाद में भी आता रहेगा, अभी ना कुछ भी करके हमें लेस्टर को आज की डेट में बचाना है। तो यहां पर भी फटाफट से ना मैं ट्रेवर को अपने साथ लेकर जाने वाला हूं क्योंकि यार फ्रैंकलिन का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कभी भी भाग सकता है। बाकी यार फ्रैंकलिन भी बहुत बढ़िया बंदा है लेकिन यार ट्रेवर अलग ही चीज है, तो अभी ना ट्रेवर को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट हम लोग यहां से बाहर हो जाते हैं। भाई सच्ची में अब जो हम काम करने वाले हैं ना यहां से हो चुकी है भाई लेस्टर को बचाने की शुरुआत। अब यार देखो हमें ना कुछ भी करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का टाइम है, तो हमें कुछ भी करके जो है आज की डेट में लेस्टर को बचाना है। तो भी जल्दी से लिफ्ट में बैठ के चले थे नीचे। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं नीचे लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर तो आ गया हूं और अभी मैं सीधा जाने वाला हूं सबसे पहले एम्युनिशन की शॉप पर, क्योंकि आपको पता होगा मेरे पास तो मेरा देसी कट्टा है बट यार ट्रेवर के पास ना अभी कोई भी वेपन नहीं है, कोई भी गन नहीं है। तो सबसे पहले ना इस एम्युनिशन की शॉप से मेरे को गन दिलानी पड़ेगी। अब यार देखो ना मैं इसको एक ऐसी गन दिलाऊंगा, मतलब कि आपको पता होगा कि जब भी हम लोग सीक्रेट बेस में एंटर होते हैं जहां पर बिग माफिया का जो बेस है, तो जब भी हम लोग वहां पर एंटर होते हैं ना तो वहां के जो स्वैट सोल्जर्स है ना वो चेक कर हमारे सारे के सारे वेपन छीन लेते हैं और फिर यार हमारे हाथ में ना पावर नहीं रह जाती। बिना गन के यार समझ लो कोई भी बंदा पावरफुल नहीं है। तो अभी ना एक काम करेंगे, मैं एक ऐसी पिस्टल खरीदूंगा जिसको ट्रेवर या तो गाड़ी में छुपा देगा या फिर हम लोगों ने उसे अपनी पॉकेट में छुपा देंगे कि जब वो लोग चेकिंग करे तो उनको पता ही ना चले कि हमारे पास कोई पिस्टल है। तो बिना जल्दी से यहां पर मैं एम्युनिशन की शॉप पर जा रहा हूं, एकदम जो छोटी वाली पिस्टल आती है ना वो बाय करेंगे और वो मैं ट्रेवर को दे दूंगा या फिर हम लोग ना गाड़ी में ऐसी जगह छुपा देंगे कि किसी को भी पता ना चले। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा एम्युनिशन की शॉप पर और वहां पर चलकर देखते हैं कि हमें कौन सा वेपन बाय करना चाहिए जो कि एकदम मतलब कि हाइड हो जाए हमारी पॉकेट के अंदर। और यहां पर जो एम्युनिशन की शॉप है पीछे तो नहीं रहेगी ना, नहीं नहीं नहीं, ये जो सामने वाली शॉप है ना यही एम्युनिशन की शॉप है। तो भी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर पार्क करता हूं और जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि मुझे कौन सा आर्मर खरीदना चाहिए, कौन सा वेपन खरीदना चाहिए और जो भी है देखते हैं क्या क्या यहां पर मिलता है। अभी फटाफट यहां पर सबसे पहले तो मुझे ट्रेवर के लिए गन्स बाय करनी है और यहां पर अभी जो सबसे छोटी वाली गन है ना एक तो ये भी है और एक ये भी है। और यहां पर एक सेकंड रुक जाओ, नीचे की तरफ में पिस्टल चाहिए, ये देखो ये जो गन है ना भाई बहुत ज्यादा छोटी है तो यहां पर ये वाली गन बाय कर लेते हैं। इस गन को ना बस हमें एकदम छुपा देना है और यहां पर इस गन में थोड़ी बहुत स्किन लगवा देते हैं, आर्मी टिंट करवा देते हैं जो भी है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, एमओ थोड़ी सी डलवा देते हैं, बाकी तो सब कुछ जो है फुली अपग्रेड है। तो यहां पर अभी ये जो गन है ना मैं ट्रेवर को दे दूंगा और बाकी ना मुझे यहां से मतलब कि आर्मर चाहिए जो कि यार बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैं मैक्स आर्मर लेने वाला हूं ताकि जो गोलियां अगर ये लोग मेरे मारे तो उसका ना ज्यादा फर्क मेरे बिल्कुल भी ना
ना पड़े। तो यार देखो एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ से बाय कर लिया, ज्यादा कुछ मेरे को बाय नहीं करना था, बस यही एक दो चीजें थी जो कि बाय करनी थी। और यहाँ पर ना भी फटाफट से मैं ट्रैवल को ये वाली जो पिस्टल है ये दे देता हूँ। तो चलो गाइस सर अभी फिलहाल मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन ने जाने के लिए कहा था। अब यार देखो फ्रैंकलिन ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है ना इन ऑफिस के नीचे ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी बेसमेंट बनी हुई है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह अपने ऑफिस में आते हैं तो वो अपनी ना सारी की सारी गाड़ियां नीचे बेसमेंट में पार्क करते हैं। तो उसी में से ना एक मिनिस्टर है जिसके पास ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी बुलेट प्रूफ व्हीकल है, तो फ्रैंकलिन ने मुझे बोला है उसकी गाड़ी हमें चुरानी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। और बेसिकली वो जो गाड़ी है ना वो बनाई इसलिए गई है कि उसके अंदर ना कोई भी अगर बंदा बैठा है तो वो किसी भी कीमत पे मारा ना जाए। तो भी ना जल्दी से मैं वहां पर चलता हूं और देखते हैं कैसी गाड़ी है कौन सी गाड़ी है। फिलहाल जो लोकेशन मुझे फ्रैंकलिन ने दी थी एग्जैक्ट उसी जगह पर मैं पहुंच चुका हूं। और यहां पर ना आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो एक दो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, बट यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे अपनी गाड़ी लेकर कहां से अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहां पर ना देखो सामने की तरफ यहां पर बैरियर लगा रखे हैं और अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर भी मैं देखो भाई साहब गोलियां चलाना शुरू कर दी, अभी बस मैंने बैरियर तोड़ा था और यहां पर तुम्हारी बदमाशी शुरू हो गई, इसलिए मुझे ये पुलिस वाले बड़े गंदे लगते हैं। मतलब कि मैंने गोली चलाई भी नहीं और यहां पर तेरी ऐसे जैसे गंजे निकल, और भाई साहब ड्राइवर गोली किस लिए चला रहा है इसको मार इसके मुंह पे। और भाई साहब अभी देखो यहां पर ना अभी आर्मर ना पहना होता ना अपना भूत बना देते ये लोग। यहां पर ना सामने की तरफ में बहुत सारे बंदे हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ड्राइवर ने बहुत सारे बंदे तो मार दिए, पीछे की तरफ में ना अभी और भी ज्यादा बंदे बचे हुए हैं। तो अभी तो यार मैं देखो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं, अभी ना बस मुझे कुछ भी करके अपनी गाड़ी लेकर ना यहां से आगे जाना है। और ये देखो भाई साहब ये बहुत देर से चोरा हो रहा है और ये जो ऑरेंज वाली कार आप लोग देख पा रहे हो ना यही है वो बुलेट प्रूफ कार जिसको मैं चुरा कर यहां से निकलना है। और सामने की तरफ में अभी भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बचे हैं तो अभी ना मैं जल्दी से आगे चलता हूं। और यहां पर भाई साहब ये तो बहुत सारे तेरी ऐसी कैसी, मैं अंदर जाऊंगा भाई एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा ना तब तक मेरे बहुत ज्यादा गोलियां पड़ेगी। तो गाइस सर देखो अभी ना उस साइड पर पूरा का पूरा ध्यान रख रहा है ट्रैवर और इस साइड पर मैं ध्यान रख रहा हूं। और अभी ना यहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बचे हुए हैं जिनको मारना जरूरी है, एक गया दूसरा गया तीसरा गया, मेरा निशाना नहीं छूकने वाला, अभी चौथा भी गया यहां पर, और कोई है क्या जल्दी से बता दो अगर और कोई है तो। और अपनी गाड़ी किसने फोड़ दी भाई साहब, ड्राइवर वही है भाई, ड्राइवर जल्दी से इधर आ जा वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा बंदे हैं इधर भी। एक और गया, मेरा जो देसी कट्टा है ना वो मैं इसीलिए चलाता हूं कि एक गोली मारनी पड़ती है और बंदा सीधा डाउन हो जाता है कुछ इस टाइप से। यहां पर ये भी गया ये भी गया और यहां पर अभी कोई बचा है क्या, इसके पीछे एक बचा हुआ तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से। और कहीं सर अभी फिलहाल यहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे ना मैंने सबको मार दिया है। बाहर की तरफ में ना एक बार मैं रास्ता सही से साफ कर देता हूं ताकि ना मुझे यहां से भागने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो इस तरफ में भी एक बंदा खड़ा है, रुक जाओ अभी ना मेरे को अपनी अजोल्ट राइफल निकालनी पड़ेगी। और एक सेकंड रुक जाओ यहां पर ना स्कोप खोल खोल के मारेंगे अभी तो इनको बहुत बुरे वाला, तो निकल तेरी ऐसी की तैसी। और यहां पर एक ये भी आ गया, तुम्हारी भैंस के ना किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और ये भी हटाओ भाई मेरे को लग रहा है ना हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं। अबे यार ये छोटी सी गाड़ी चुराने के लिए तुम हेलीकॉप्टर वगैरह सब बुला लो, लेकिन यार देखो मिनिस्टर की गाड़ी है इसीलिए ना यहां पर भाई अभी बहुत ज्यादा कलेश हो सकता है सिटी में। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं जल्दी से यहां पर जो बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी है ना इसको लेकर आ जाता हूं। तो चलो गाइस गाड़ी को अपनी आगे भगाते हैं 3 2 1, और यहां पर मैंने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। और यार ये जो गाड़ी है ना देखने में तो बहुत ज्यादा भारी लग रही है और इस गाड़ी में आगे गोलियां भी लगी हुई है, वो भाई बहुत जबरदस्त। तो ड्राइवर भाई जल्दी से गाड़ी में बैठो और यहां से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूं। गाइस एक काम करते हैं ना यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूं और ना टेस्ट करते हैं कि ये लोग हमारे पे जितना मर्जी अटैक कर लें यहां पर हमारी गाड़ी को कुछ होता है या फिर नहीं होता। अभी तक तो फिलहाल हमारी गाड़ी से सिर्फ और सिर्फ धुआं निकल रहा है लेकिन यार गाड़ी को कुछ भी असर नहीं हो रहा। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो भाई गाड़ी में ना आगे गोलियां भी लगी हुई है, मतलब कि अभी जितने भी बंदे आगे आने वाले ना सबकी गाड़ियां मैं ऐसे ही फोड़ दूंगा। ये देखो यहां पर इन पुलिस वालों की गाड़ियों पे गोलियां मारना शुरू करी है और गाड़ी में आग लग गई, पुलिस वाले भी जल के मर गए भाई, बहुत जबरदस्त है। इस वाली गाड़ी में जो पुलिस वाला बैठा था उसको भी मार दिया भाई, ये जो बुलेट प्रूफ व्हीकल है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा गोलियां लग रही है बट गाड़ी को एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ हो भी रहा है। लेकिन गाइस यार एक दिक्कत हो गई है, अभी तक ना गाड़ी के शीशे टूटे नहीं थे लेकिन यार आगे वाला जो शीशा ना वो पूरा बुलेट प्रूफ था, लेकिन यार वो बुलेट प्रूफ होने के बावजूद पुलिस वालों की इतनी ज्यादा गोलियां चलाने की वजह से वो टूट गया। तो बिना फटाफट से यहां पर इस वाली गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूं बैनी के पास, यहां पर ना मैं इसको और ज्यादा अपग्रेड करवा दूंगा और ज्यादा बुलेट प्रूफ करवाएंगे। और ये देखो यहां पर ना गाइस अभी सारे शीशे टूट गए हैं, मतलब कि अगर अब पुलिस वाले हमें मारेंगे तो शीशों से हमें गोलियां लग सकती है, इसलिए सबसे पहले यहां पर जितनी भी विंडोज है ना मुझे उनको पूरा का पूरा एकदम मतलब पूरा बुलेट प्रूफ कराना पड़ेगा ताकि पुलिस वाले मेरे एक भी गोली ना मार पाए। तो चलो गाइस सर अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगा जाता हूं, शोरूम पर तो पहुंच चुका हूं, यहां से ना बस मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है और जो अपना शोरूम है वो आ जाएगा। तो बिना जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी को नीचे बेसमेंट में लेकर चले
लेता हूँ। और यार देखो आज आने वाली जो पार्किंग है पूरी की पूरी खाली पड़ी है। अब अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर एंटर करवाता हूँ, लिफ्ट से चलते हैं नीचे। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर नीचे अपने शोरूम में आ चुका हूँ। यहाँ पर ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी जो है बैनी को दे देता हूँ और ये फटाफट से रिपेयर कर देगा। तो अभी जल्दी से मैंने बैनी को बुला लिया है और यहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात होगी और मैंने बैनी को बोल दिया कि जो अपनी गाड़ी है ना ऑलरेडी पूरी बुलेट प्रूफ है और साथ में फायर प्रूफ भी है, बस जो इसकी विंडोज है ना वो थोड़ी सी बुलेट प्रूफ करनी है ताकि अगर हम लोग अंदर भी बैठे रहें तो हमारे एक भी गोली ना पड़े। फिलहाल बैनी ने मुझे बोला कि ये एक से डेढ़ घंटे के अंदर मैं पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर भी कर दूंगा और साथ में इसकी जो ग्लासेस है मतलब जो इसकी विंडो है वो भी बुलेट प्रूफ कर दूंगा। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं लिफ्ट से ऊपर तो आ चुका हूँ और यार जब तक बैनी हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहा है तब तक ना मेरे को अपना एक काम और निपटाना है। आपको पता होगा कि बिग माफिया के बेटे को यार हमें ना ड्रग्स भी ले जाकर देने हैं और अगर हमने उसे ड्रग्स ले जाकर नहीं दिए तो सीधी सी बात है वो हमें अपने सीक्रेट बेस के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा और साथ में लेस्टर को भी वो मार देगा। तो इसीलिए यार अभी ना जल्दी से चल लेते हैं सीधा यार ड्रग्स को लेने। अब यार देखो ड्रग्स जो है ना वो मिलिट्री बेस वालों ने जब्त कर रखे हैं उसके, तो यार देखो उनसे लाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा मुसीबत का काम भी है। तो यार वहां पर तो मैं नहीं जाने वाला, लेकिन यार मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है। तो देखो यार अभी ना जो मैंने प्लान बनाया वो ये है कि हम लोग ना उसको फेक ड्रग्स ले जाकर देंगे, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि दिखने में एज इट इज ड्रग्स जैसी हो ताकि ना एक बार उस बेस के अंदर हमारी एंट्री हो जाए। अगर देखो एक बार उस बेस के अंदर एंट्री होगी ना तो उसके बाद पूरा का पूरा खेल हमारे हाथ में है। हम लोग क्या करने वाले, आपको पता होगा जो मेरी गाड़ी है जो कि मैंने बैनी को मॉडिफाई होने के लिए अभी दे रखी है उसको पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके ना विंडोज रह रही थी वो भी अभी बैनी पूरी बुलेट प्रूफ कर देगा। यानी कि अगर हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे तो वो लोग बाहर से चाहे जितनी मर्जी गोलियां चला ले हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर उस गाड़ी से ना हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वहां पर सोल्जर्स हैं जितने भी स्वैट सोल्जर्स हैं सभी लोग को मार देंगे और लेस्टर को उस गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल लेंगे। तो की गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा ट्रेवर के घर यानी एक्लिप्स टावर पर। और मैंने ना अभी फ्रैंकलिन को भी फोन करके बोल दिया कि अंडर वाटर माफिया के साथ जल्दी से नीचे आ जा क्योंकि अभी ना मिशन पर जाने का टाइम जो है आ चुका है। तो अभी ना कोई भी देरी नहीं करनी और इनको यार सारी की सारी बातें भी बतानी कि मैं क्या करना है कैसे करना है सब कुछ। तो अभी ना जल्दी से मैं चल लेता हूँ एक्लिप्स टावर के लिए। अब यहाँ पर ना एक रोड जाता है जो कि सीधा यहाँ से एकदम शॉर्टकट है, बाकी तो यार मैं आगे वाले रोड से भी जा सकता हूँ। भाई एक सेकंड, मेरी अच्छी भाई साहब ये देखो मेरी अच्छी खासी गाड़ी का इन्होंने ना स्पीड दिया। वैसे यार पता कुछ भी नहीं हुआ, एक डेंट आया मानोगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ और इतनी बुरी वाली टक्कर लगी थी और लेफ्ट से जा रही है रॉल्स रॉयस। तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देता हूँ और जल्दी से अभी ना यहाँ पर वेट करते हैं फ्रैंकलिन एंड अंडर वाटर माफिया का। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी चलते हैं और ये देखो यहाँ पर फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया भी जो है आ चुके हैं। तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूँ और इनको ना पूरा का पूरा प्लान जो एक्सप्लेन करेंगे। और अभी ना कुछ भी करके मेरे को जल्दी से कुछ ऐसे वेपन्स की जरूरत है, कुछ ऐसे बॉम्ब्स की जरूरत है जो कि हम वहां पर गेट पर लगाने वाले हैं ताकि उनका गेट जो है ना फूट के हाथ में आ जाए। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी चारों लोग जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं और ना जल्दी से अभी हमें निकलना है सीधा ड्रग्स का जुगाड़ करने के लिए। अब देखो यार यहां पर ना अंडर वाटर माफिया को एक जगह पता है जहां पर ना हमें कुछ ऐसे बॉक्सेस मिल जाएंगे जिनके अंदर ड्रग्स पैक होता है, बट यार उसके अंदर ड्रग्स है नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना हो पाता है उतना ले लो। बाकी यार वो जिस ड्रग्स की बात कर रहा है ना वो तो यार बहुत ज्यादा अलग है और वो इस टाइम ना मतलब मिलिट्री बेस वालों के पास है, वहां पर जाने का कोई मतलब है नहीं, सीधा हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। तो भी जो भी बॉक्सेस होते हैं ना ड्रग्स के जिसके अंदर वो पैक होता है वो बॉक्सेस लेकर हम लोग चल लेते हैं। तो गाइस अभी ना अंडर वाटर माफिया ये कह रहा है कि उस बंदे का जो घर है वो आगे से राइट वाली गली में है। तो भी ना जल्दी से उसके घर पर चलते हैं और देखते हैं कि उसके पास से हमें ड्रग्स के बॉक्सेस मिलने वाले हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल देखो यही जगह है जो कि हमें अंडर वाटर माफिया ने बताई थी और यहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं। तो यही वो घर है जिसकी बात कर रहा था अंडर वाटर माफिया। तो भी ना जल्दी से मैं घर के अंदर चलकर देखता हूं और अभी मैं अकेले जाऊं कि इन सबको ले चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसी घर की बात करी थी अंडर वाटर माफिया ने। तो भी जल्दी से मैं घर के अंदर चलकर देखता हूं और ये देखो भाई यहां पर ना भाई हद से ज्यादा बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हैं। और देखो यार ये ना टॉय के बॉक्सेस है, इनके अंदर ना टॉय आता है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। आपको ना थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूं, ये देखो यहां पर ना एक टॉय है जिसको ना तोड़ रखा है और उसके बीच में ना यहां पर इन्होंने ड्रग्स भर रखे हैं ताकि इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये जो बंदा है इससे हमें बात करनी पड़ेगी, वैसे हम नॉर्मली भी चुरा के ले जा सकते हैं। तो गाइस यार अभी ना मैंने इस बंदे से यहां पर बॉक्स लेने की बात जैसी करी ना वैसे ये पता नहीं किस चीज की चोड़ में आ गया, मार इसको भैंस की टांग। यहां पर हम लोग इसको पैसे दे रहे हैं, बॉक्स फ्री में थोड़ी ले जा रहे, जो इतना चोड़ा हो रहा है मारो भाई। अभी इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं, डंडा वंडा निकाल के मारूंगा बेटा पहले बता रहा हूं। अभी यहां पर देख लो भाई अंडर वाटर माफिया को ना वैसे इतना ज्यादा कूटने का शौक चढ़ा रहता है ना किसी ना किसी को, और यहां पर आज हम लोग इसका भूत बनाने वाले हैं तेरी ऐसी की तैसी, गिरा गिरा के मार इसको, सोफे पे लटा के लाते ही लाते दे, अभी नहीं छोड़ने वाले भाई इसको। अब ये पिटा इसने उल्टा कैसे बोला, इसको बाहर ला, इसको बाहर ला, इसको ना अंदर लेकर चलते हैं उस साइड पर, आराम से लात ही लात जड़ेंगे फिर इसके भाई,
साहब यहाँ पर हम लोग इसको उसके बॉक्स के पैसे दे रहे हैं। अब ये बंदा ना मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ना जेल से भाग कर आया और यहाँ पर आकर उसने ये काम शुरू कर दिया। तेरी ऐसी की तैसी, वापस जेल में जाना चाहता तो हमें बता दे, वैसे ही हमारे जेल में इतने चक्कर लगते रहते हैं। और भाई अभी तो हमने इसके धड़ाई धड़ भर दिया, रुक जाओ इसका काम ही खत्म कर दूं मैं, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट का काम हो रहा है। भागने का नहीं भाई, भागना नहीं, मत्थे पे गोलियां बजेगी ना चार, तेरी ऐसी की तैसी। चलो भाई खेल पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब सारे के सारे बॉक्सेस हमारे हैं और यहाँ पर ना किसी बॉक्सेस में ना थोड़ा बहुत ड्रग्स पड़ा भी हुआ था, ये शायद से ये अपने खाने पीने के लिए करता होगा, बाकी तो यार सारे के सारे खाली बॉक्सेस हैं। तो भी ना जल्दी से इन बॉक्स को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और फ्रैंकलिन और ट्रेवर अपना नीचे ही है, तो जल्दी से ना सारे बॉक्स हम लोग गाड़ी में भरते हैं और निकल लेते हैं। तो की गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया ने काफी सारे बॉक्सेस जो है गाड़ी में ले जाकर लोड करवा दिए हैं, तो अभी ना जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। मेरे हिसाब से इतने बॉक्सेस बहुत रहेंगे, अभी ना ये वाले बॉक्सेस हमें अपनी दूसरी वाली गाड़ी में भी लोड करवाने पड़ेंगे ताकि हमें जो है ना अंदर एंट्रेंस मिल जाए। तो भी ना जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ पर निकल लेते हैं। और ये दोनों देखो भाई साहब यहाँ पर बाहर आके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो जल्दी से अभी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। ये देखो सारे के सारे बॉक्सेस पीछे लोड हो चुके हैं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना सभी लोग यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ चुके हो। सॉरी भाई साहब अंडर वाटर माफिया कैसे रह गया, मेरे को तो लग रहा था पहले ही बैठ गया है, तो जल्दी से बैठ जाओ भाई, मैंने गलती से गाड़ी में रेस दे दी थी और उसने गाड़ी का गेट जस्ट खोला ही था। तो बिना फटाफट से हम लोग वापस से निकल लेते हैं सीधा बैनी के पास, और आपको तो पता ही होगा कि यार बैनी ने अभी तक हमारी गाड़ी जो है वो कंफर्म रिपेयर कर दी होगी। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा अपने शोरूम में, और मैंने ना बैनी को बोल दिया था कि अगर गाड़ी मॉडिफाई हो गई हो तो जल्दी से उसे जो ऊपर वाली पार्किंग में लेकर आ जाइए ताकि हम लोग ना यहां से सीधा उसे टेस्ट कर लेकर निकल ले। तो भी ना जल्दी से चलकर देखते हैं। फिलहाल बैनी ने तो कर ही दिया, वो देखो गाड़ी वो ऊपर भी लेकर आ गया और इसने ना गाड़ी का पूरा कलर ही चेंज कर दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं यहां से अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूं, लग रहा है थोड़ा बहुत काम जो है ना बाकी रह गया जो कि अभी बैनी कंप्लीट कर रहा है। तो भी जैसे ये काम कंप्लीट करेगा उसके बाद इस गाड़ियों पे ना गोली मार के हम लोग इसका टेस्ट लेने वाले हैं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना बैनी ने अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि जो अपनी गाड़ी में यहाँ पर नीचे गन्स लगे हैं ना बैनी ने इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी ना जल्दी से मैं इस गाड़ी को बाहर निकालता हूँ और यहाँ पर ना इसको चलाकर देखते हैं कि आखिरकार ये जो गाड़ी है चलने में लग कैसी रही है। बाकी तो ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी की जो लुक है ना भाई कितनी ज्यादा बढ़िया हो गया, चारों तरफ से गाड़ी को पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ कर दिया है, मतलब कि जो आप देख पा रहे हो ना ब्लैक, तो सारी की सारी आर्मर प्लेट लगी और जितनी भी विंडोज थी उस पर भी बैनी ने यहाँ पर आर्मर प्लेट लगा दी है, मतलब कि यार अभी अपनी जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो देखो यार गाड़ी ना देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, अब ना इस गाड़ी की चलो यार मजबूती टेस्ट करते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है, मतलब कि जब वो लोग हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे तो ये गाड़ी क्या हमें प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, वो चीज टेस्ट करते हैं। अब यार देखो सबसे पहले जो पंचर होती है ना वो चीज है टायर, तो सबसे पहले टायर पर मैं गोलियां मारता हूं। अब यार देखो इतनी गोलियां मार दिया है टायर को, एक रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा है। और अगर वहीं मैं दूसरी गाड़ी से कंपेयर करूं तो देखो ये एक गोली में पंचर हो जाएगा, ये देखो एक गोली में धुआं निकल गया, इसका भी एक गोली में निकल जाएगा, ये देखो हर गाड़ी के टायर एक गोली में पंचर हो जा रहे हैं। और यहां पर इस गाड़ी पर मैंने इतनी गोलियां मार दी इसका टायर पंचर नहीं हो रहा। अब चलो एक चीज में ये पास होगी, दूसरी चीज टेस्ट करते हैं कि जब हम लोग गाड़ी के अंदर होंगे तो क्या विंडो से हमारे गोलियां लगने वाली है। तो यहां पर देखो पहली बात तो ना विंडो में आर्मर प्लेट लगी हुई है तो सीधी सी बात है गोली अंदर जा ही नहीं सकती, बट फिर भी एक बार गोलियां मारते हैं। यहां पर देखो शीशा ना एक शीशा भी लगा हुआ है बाहर, शीशा पूरा का पूरा टूट गया लेकिन शीशे के उस पार है आर्मर प्लेट जो कि भाई कोई भी नहीं तोड़ सकता, देख लो यहाँ पर एकदम भर के गोलियां चला दी बट यार फिर भी इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, मतलब कि आर्मर प्लेट बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और यहाँ पर मैंने पूरी भर के गोलियां चला दी, ये देखो सारे शीशे तोड़ दिए बट यार अभी आर्मर प्लेट को कुछ भी नहीं हुआ। इधर के टायर भी चेक कर लेता हूँ, नहीं भाई यहाँ पर हेडलाइट देखो हेडलाइट टूट गया, कोई नहीं बैनी से दोबारा रिपेयर करके ले जाएंगे, तो हेडलाइट कमजोर है, मतलब आगे ही तरफ में भी उसने लगाए हैं थोड़े बहुत बट यार वो इतने ज्यादा ना मजबूत नहीं है। तो चलो यार बहुत ज्यादा बढ़िया अपनी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, बट अगर बजूका होती ना तो एक बार और टेस्ट हो जाती कि गाड़ी में आग लग रही है या फिर नहीं लग रही। तो ना अभी जल्दी से वाली जो गाड़ी मैं बैनी को देता हूँ ताकि वो जल्दी से हेडलाइट को दोबारा से ठीक करके ले आए, फिर हम लोग ना गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना पीछे वाली गाड़ी से मैंने सारे के सारे ड्रग्स के बॉक्सेस जो थे वो इस वाली गाड़ी में लोड करवा लिए हैं, क्योंकि अभी हम चारों लोग इस वाली गाड़ी में बैठ गए हैं और सीधा जाने वाले हैं सीक्रेट बेस के लिए जहां पर बिग माफिया का बेटा हमारा वेट कर रहा है। लेकिन गाइस यार मैंने अभी आपको एक चीज तो टेस्ट ही नहीं करवाई इस गाड़ी की जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये देखो भाई इस गाड़ी के आगे ना टोटल चार यहाँ पर गन्स लगी हुई है, मतलब कि यार ये इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, मतलब किसी भी बंदे के अगर आप गोलियां मार दोगे तो भाई अगर मान लो कोई गाड़ी जा रही है ना तो गाड़ी के अंदर चार बंदे बैठे हैं मारने में मुश्किल से दो से तीन सेकंड
भी नहीं लगेंगे चारों बंदों को, तो भी ना फटाफट जल्दी से निकल लेते हैं सीधा उसको बचाने के लिए। और यार देखो अभी ना बीच रास्ते में ना हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर और माइकल जा सकते हैं। तो देखो भाई अभी ना आधे रास्ते में हम लोग ना फ्रैंकलिन और अंडरवर्ल्ड माफिया को अलग गाड़ी में कर देंगे, क्योंकि यार देखो अंदर एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ अभी माइकल और ट्रेवर का है। और आपको पता होगा कि जब भी हम लोग उस टनल के अंदर एंटर होते हैं तो वो लोग टनल को दोनों साइड से पूरा का पूरा बंद कर देते हैं, ताकि हम लोग वहां से किसी भी कीमत पर भाग ना पाए या फिर ना ही कोई बाहर से हमें बचाने वाला आ पाए। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को टनल के अंदर लेकर चलेंगे, लेकिन यार इनको ना बाहर ही रुकने के लिए बोल देंगे। और जहां से मतलब कि स्वैट सोल्जर्स खड़े होते हैं ना, उसके आगे वाले रास्ते पर हम दोनों जाएंगे और लेस्टर को लेकर बाहर निकलेंगे और मेन गेट पर सारे के सारे बॉम्ब लगाकर फोड़ देंगे और पूरी आग लगा देंगे, ताकि जितने भी सोल्जर्स अंदर हैं वो बाहर ना आ पाए। तो देखो अभी ना आपको प्लान वैसे पूरा समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे अगर आप आगे देखते जाओगे तो आपको एक एक चीज जो है समझ आने वाली है। तो देखो भाई गाड़ी कितनी ज्यादा पावरफुल है, एक एसयूवी पर अभी मैंने टक्कर मारी और भाई अपनी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं सामने वाली गाड़ी पर टक्कर मार के देखता हूँ। ये देखो भाई इतनी ज्यादा भारी गाड़ी थी और पूरी की पूरी नाच गई, और अपनी गाड़ी को एक रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, पूरी बुलेट प्रूफ है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो गाइस यार वैसे ना इस गाड़ी को चलाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको रोड पर बिल्कुल भी ट्रैफिक दिख रहा है तो इस टाइप से गोलियां चला दो, सारी की सारी गाड़ियां जो ना अपने आप ही साइड होकर रास्ता दे देती है डर के मारे। तो ये देखो भाई सारी गाड़ियां अपने आप ही साइड हो जा रही है और मैं अपनी गाड़ी को एकदम सीधा भगाया जा रहा हूँ। और ये देखो भाई साहब अभी ये जो है ना रास्ता रोंग वे आ गया था मैं, इसलिए इतनी तगड़ी टक्कर हुई और सामने वाली की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए भाई पूरे, और वो देखो उसकी गाड़ी में आग भी लग गई। मतलब यार अपनी जो गाड़ी है ना बहुत ज्यादा बुलेट प्रूफ है। और अभी यहाँ पर देखो कितना तगड़ा धमाका होने वाला है, मैं धमाका देखना चाहता हूँ। और उस बाइक वाले को देखो, बाइक वाले को अपने घर जाने की जल्दी पड़ी है, उसको पता नहीं वाली गाड़ी फूटने वाली है और इतना टाइम क्यों लगा रही है फूटने में। भाई मेरे को अभी जल्दी देखना है, जल्दी फूट, यहाँ पर मैं इस पे एक आध गोलियां बजाता हूँ ताकि गाड़ी जल्दी से फूटे। और ये देखो भाई अब होने वाला तगड़ा धमाका, बस यार थोड़ी बहुत गोलियां और चलानी है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है ना कि अपनी गाड़ी का टेस्ट एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और एक गाड़ी फूटी और अब होने वाली है बहुत तगड़ी तबाही। तो मेरे को ना बस यहाँ पर अपनी गाड़ी टेस्ट करनी है कि मेरे को कुछ होता है या फिर नहीं होता। ये देखो भाई मैंने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, आग पर खड़ी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि कुछ होता है या फिर नहीं होता। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मेरे अगल बगल इतनी सारी गाड़ियां फूट रही है और एकदम ना धमाके ही धमाके हुए जा रहे हैं और पूरे में आग लग चुकी है, लेकिन यार मेरी गाड़ी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ये देखो मतलब कि बस ये गेट खुल जाता है कभी कभार, बट यार एक रुपए का भी फर्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी में। मैंने अपनी गाड़ी को इस टाइम ना आग में खड़ा कर रखा है, मतलब कि यार ये गाड़ी बुलेट प्रूफ तो है, साथ के साथ फायर प्रूफ भी है, मतलब कुछ भी कर लो इस गाड़ी में आग नहीं लगने वाली। तो चलो गाइस अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ निकल लेता हूँ सीधा माउंट शिलयार्ड के लिए। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी आपने देख ली कितनी ज्यादा मजबूत है। मेरे को ना बस यही टेस्ट करना था कि अगर कोई बजूका मारेगा तो क्या मेरी गाड़ी को कुछ होगा या फिर नहीं होगा। तो भाई बजूका छोड़ो, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े धमाके हो गए तब मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। बस यार थोड़ी बहुत ना मिट्टी मिट्टी लग गई है, लेकिन गाड़ी का ना एक पुर्जा तक नहीं टूटा भाई, बस स्क्रैच आया और कुछ भी नहीं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा माउंट शिलयार्ड के लिए। और मैंने आपको बोला था कि बीच रास्ते में ना हमें एक गाड़ी जो है फ्रैंकलिन एंड अंडरवाटर माफिया के लिए भी लेनी है। तो बिना जल्दी से अपनी गाड़ी मैं यहीं पर खड़ी करता हूँ और सामने की तरफ में एक बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है, तो बिना किसी को मारने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इन दोनों को मैं इस वाली गाड़ी में जाने के लिए बोल देता हूँ और हम लोग निकलने वाले इस वाली गाड़ी में और ये लोग हमारा पीछा करते करते आएंगे टनल तक। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को बोल दिया कि तुम लोग उस वाली गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आना। और यहाँ पर भाई साहब देखो फ्रैंकलिन को कितनी जल्दी हो रही है, उस बेचारे को गाड़ी से गिरा दिया। तो ना अभी हम लोग जल्दी से अपनी वाली गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग ना अभी हमारे पीछे आने वाले हैं। तो देखो भाई ड्राइवर भी बैठ गया और यहाँ पर सारा का सारा ड्रग्स भी हमारी गाड़ी में है। तो अभी फटाफट से तुम दोनों हमारे पीछे आना, ठीक है? अभी जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर आगे भगाते हैं और देख लो आप लोग फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अभी मेरे को सीधा जाना है उस वाली टनल में जहां से उस वाले रास्ते की एंट्रेंस होती है सीक्रेट बेस की। तो अभी देखो यार वहां पर जाने के ना दो तीन रास्ते हैं और ये कंफ्यूजिंग एरिया थोड़ा सा, मतलब जो रास्ते हैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो एक बार ना मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है? अभी ना यहाँ पर मैंने मैप में मार्क तो लगा लिया कि मुझे किस रास्ते से वहां पर अंदर एंटर होना है। तो यहाँ पर इन दोनों को देख लो पीछे आ रहे हैं ना, चलो ठीक है, यहाँ पर ये लोग भी पीछे आ रहे हैं। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चल लेता हूँ सीधा आगे की तरफ में। और देख लो मैं कह रहा था ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले रास्ते हैं, तो अभी मैं चले जाता नीचे, मुझे जाना है राइट वाले रास्ते पर। और यहाँ पर से भी मैं गलत आ गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये कैसे रास्ते हैं भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुक जाओ मेरे को पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा, अभी आगे से मोड़ कर ले आता हूँ। और
और भाई यहाँ पर भी बहुत सारी मस्त मस्त गाड़ियां खड़ी हुई है, मतलब कि यहाँ पर ना सारे के सारे ऑफ रोड व्हीकल ही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन वाले माउंटेन्स वगैरह पर चलते हैं। तो देखो मुझे ना इस वाले रास्ते पर जाना था भाई, देखने में ना ये तो रास्ता लग भी नहीं रहा है, बट यार ये एक रास्ता है भाई, पता नहीं कौन विश्वास करेगा बट जो भी है ये रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप्स में। तो अभी फटाफट से चलता हूँ मैं आगे। यहाँ पर ना मुझे अपनी गाड़ी को आराम से एकदम राइट मोड़ना है, और भाई ये कितना ज्यादा अजीब रास्ता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फ्रैंकलिन जो है ना थोड़ा सा ड्राइविंग में स्लो है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन अभी वो फटाफट से गाड़ी जो है भगा कर लेकर आ चुका है। और यहाँ पर जैसे हम लोग टनल के अंदर एंटर होंगे, यानी कि जैसे ही वो दूसरा वाला गेट खोलेंगे जिससे हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर जाते हैं, वैसे ही वाली जो टनल है ना वो बंद हो जाती है। तो अभी ना इन दोनों को भी अंदर आने देते हैं। वैसे सीसीटीवी तो लगे होंगे, उनको दिख गया होगा दो गाड़ियां आई है, बट यार मैं 100% श्योर नहीं हूं, और जरूरी नहीं है कि वो लोग शक करें, क्योंकि यार ना ये एक नॉर्मल रास्ता है, तो यहां पर नॉर्मल बंदे भी जाते हैं बट बहुत कम। तो ये वाला जो गेट है वो खुलेगा, तो तुम लोग एक काम करो, अपनी गाड़ी ना थोड़ी देर के लिए यहां पर पार्क कर लो, ठीक है? अभी यहां पर मैंने इनको आगे आने के लिए बोल दिया है, तो ये लोग ना अपनी गाड़ी यहां पर साइड में पार्क करेंगे थोड़ी देर के लिए, और अभी हम दोनों अंदर जाने वाले हैं ड्राइवर और मैं। तो चलो गाइस अभी मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर एंटर करवाता हूँ, और यार अपनी ना मेरे को पहले चेकिंग भी करवानी पड़ेगी कि ड्रग्स मैं लेकर आया हूँ या फिर नहीं आया हूँ। तो जितने भी बॉक्सेस थे वो तो गाड़ी में है, लेकिन यार दिक्कत की बात है कि मेरे पास भी देसी कट्टा है और इस टाइम पर ट्रैवर के पास भी एक पिस्टल है, तो अगर ये चीज इनको मिल गई तो गड़बड़ हो सकती है। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना यहाँ पर एक ऑफिसर ने अंदर गाड़ी के टॉर्च मार के पूरी चेकिंग कर ली है, और यहाँ पर इनको पता चल चुका है कि ड्रग्स जो है गाड़ी में है। तो यहाँ पर इस वाले बंदे ने हमें आगे जाने की परमिशन दे दी है, तो भी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ सीधा बिग माफिया के बेटे के पास। और यार अभी ना मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, तो जल्दी से गाड़ी भगाते हुए निकल लेते हैं एकदम चुपचाप से। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल ये वाली जो टनल है ये खत्म होने वाली है, और मैं जाने वाला हूं सीधा बेस के अंदर जहां पर बिग माफिया के बेटे ने लेस्टर को किडनैप करके रखा हुआ है। अब यार देखो मुझे ना जाते क्या करना है, बिग माफिया के बेटे के जितने भी गार्ड्स हैं जितने भी सोल्जर्स हैं उनको जाते ही मार देना है, और मुझे कोशिश ये करनी है कि बिग माफिया के बेटे के एक भी गोली ना लगे, क्योंकि अगर बाय चांस वो मर जाता है ना तो फिर वो लोग लेस्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, लेस्टर को भी जिंदा मार देंगे, और फिर अपना सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके गार्ड्स को मारना है, फिर उसके बाद ट्रेवर जो है उसके मत्थे पे एम कर देगा, और फिर वो लोग लेस्टर को हमारे हवाले कर देंगे, और हम लोग यहां से भाग जाएंगे बिग माफिया के बेटे को मार के। तो अभी ना देखो यहां पर मैं देखता हूं ये लोग है कहां पर। सबसे पहली चीज तो ये देखो गाड़ियां इनके सामने खड़ी हुई है, और इन लोग को पता चल चुका है कि यहां पर माइकल आ गया, इसलिए ये गाड़ी पर एम कर रहे हैं। इनको लग रहा होगा कि अभी मैं इनके लिए ड्रग्स लेकर आया हूं, और जल्दी से मैं इनको अभी ड्रग्स लाकर दे दूंगा, लेकिन गाइस यार अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस यार अब होने वाली है असली तबाही, तो 3-2-1 लेट्स गो। और यहां पर आ चुके हैं बिग माफिया के बेटे की मौत। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना ये डर के मारे खड़ा हो चुका है, और यहाँ पर भी इसके जितने भी बंदे हैं ना इनको मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, बजा के एकदम गोलियां पड़ेगी तुम्हारी, ऐसे की तैसी मेरे को मारने की कोशिश करोगे भाई साहब किसी को नहीं छोड़ूंगा, एकदम भर के गोलियां मैंने इनके बजा दिया है। और यहाँ पर अब बारी इसकी, जा ड्राइवर भाई। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने ड्राइवर को बोल दिया कि सीधा जाकर उसके मत्थे पे एम कर दे, और यहाँ पर ना अभी मेरे को देखना है आसपास कोई और सोल्जर्स तो नहीं आ रहा, अभी ना फटाफट ना इससे लेस्टर को बुलाने के लिए बोलते हैं। तो की गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर ने इसके ऊपर एम तो कर दिया, और मैंने इसको बोल दिया कि जल्दी से अपने बंदे को बोल कि वो लेस्टर को यहाँ पर लेकर आए और हमें अपनी गाड़ी में बिठाए, क्योंकि मैं अभी गाड़ी से उतरने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं गाड़ी से उतरा तो क्या पता ये लोग गोलियां चला दे और हमारे भी गोलियां लग जाए, इसलिए मैं बुलेट प्रूफ कार में बैठे रहूंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के बेटे ने मुझे बोल दिया कि वो लेस्टर को यहाँ पर भेज रहा है, अब जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर मोड़ लेता हूँ और लेस्टर को बिठाकर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और वो देखो लेस्टर आ गया, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर एक सोल्जर भी साथ में है। बेटा चला के हमसे करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसकी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अब देखो यार जब तक ट्रेवर ने इसके ऊपर एम कर रखा है ना हमें कहीं से भी डरने की बात नहीं है, तो लेस्टर जल्दी से गाड़ी में बैठो और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो बहुत सारे सोल्जर्स भागते हुए आ रहे हैं, ट्रेवर जल्दी से गाड़ी में बैठ, अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये लोग आके मारने लग जाएंगे सीधा। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और देखो भाई पीछे की तरफ से उन्होंने गोलियां मारना भी शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, भाई सामने की तरफ में भी बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स हैं, किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी निकलो। अब यार देखो दिक्कत की बात यह है कि ना यहाँ पर मैंने अभी ना बिग माफिया को जिंदा छोड़ दिया है, तो देखो यार अभी ना अपने लिए सबसे ज्यादा मेन था लेस्टर, तो वो अभी जिंदा हो या फिर मरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी फटाफट हमें ना यहाँ पर लेस्टर को बचाकर निकलना है। और तीर या सुखी भाई साहब यहाँ पर ये गाड़ी में आगे लग गई, अभी फटाफट ना सभी सोल्जर्स को मारता हुआ मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, भाई बहुत सारे बंदे हैं, और अगर अभी अपनी गाड़ी में ये ना लगी होती ना गन तो ये लोग मेरे को लग रहा अपनी ये वाली गाड़ी भी फोड़ देते, इतने सारे हैं पूरी की पूरी टनल में यहाँ पर इन्होंने बंदे ही बंदे भर दिए हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से, एक बंदा भी अभी इनका जिंदा नहीं बचने वाला, अभी मैं सीधा अपनी गाड़ी जो है भगाते हुए आगे जाने वाला, तुम भी निकलो भाई साहब। उसकी बॉडी देखो मैंने कहाँ पर उठा के फेंक दी अपनी गाड़ी से, और राइट में भी दो दो आ रहे हैं, निकलो तुम भाई। इसीलिए तो ली थी मैंने वाली बुलेट प्रूफ व्हीकल, दिखाने
के लिए थोड़ी ली थी, तुम सबको मारने के लिए ली थी। तो गाइस अभी ना मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार पीछे से भी बहुत सारे स्क्वाड सोल्जर्स आ रहे होंगे। मतलब क्या इस टनल के अंदर यार बहुत सारे बंदे, ये देखो हर जगह आपको यहाँ पर ये सोल्जर्स ही सोल्जर्स नजर आएंगे, और हर जगह भाई गाड़ी गाड़ी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई तुम्हारी ऐसी। और सामने से कितने सारे हैं, ओ भाई यहाँ पर सामने तो बहुत सारे, अपनी गाड़ी मुझे पीछे करनी पड़ेगी भाई। पहले इनको मारूंगा तभी मैं ये वाला एरिया जो है क्रॉस कर पाऊंगा। और यहाँ पर ये देखो मैंने गाड़ियां इनकी फोड़ना शुरू कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी ना गाइस गाड़ी में आग लगने वाली है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और ये देखो भाई ये कैसे मार रहा है, पर तू मर गया फिर भी चैन नहीं है, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। पीछे की तरफ भी बहुत लोग हैं, निकलो बेटा, चारों का यहाँ पर डाउन कर दिया। और वो देखो भाई पीछे की तरफ बिल्कुल धमाका हो गया, अभी फटाफट ओ भाई बच गई अपनी गाड़ी, इसीलिए मैंने फायर प्रूफ गाड़ी ली थी। फायर प्रूफ गाड़ी बहुत तगड़ी है, वरना हमारी गाड़ी में अभी तक तो आग लग गई होती और अभी तक हम लोग मर गए होते। तो सभी को मार के यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ भाई। आगे इन्होंने रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है तो भी कोई दिक्कत क्यों, निकलती रही ऐसी की जैसी, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई यहाँ पर। अभी इनकी लड़ी लगा दूंगा मैं मार मार के। ये वाला टैंक भी मैंने फोड़ा और यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आग लग गई बहुत बुरी तरह। अभी जो मेरी गोलियाँ हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली चले ही जा रही है, एक टाइप से ना इसके अंदर इनफाइनाइट एमो है। और ये देखो भाई ये वाली भी गाड़ी मैंने फोड़ दी, इस गाड़ी को ना पहले फूटने देता हूँ अभी, जब भी मैं आगे जाऊँगा वरना तेज धमाका हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो भाई कोई असर ही नहीं हो रहा हमारे। तो गाइस अभी तक तो मजाक हो रहा था, लेकिन सामने की तरफ में ना यार अभी बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं। मतलब कि ये ना एग्जिट का गेट है और इन्होंने ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तुम्हारी भैंस के रंग, एक गाड़ी में तुम्हारी नहीं छोड़ूंगा, इतनी सारी सिक्योरिटी थी यहाँ पर, तभी भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा था इनसे फाइट लेने का भाई। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। अभी जल्दी से मैं इन सबको मारता हूँ। और यहाँ पर इन लोगों ने ये वाला गेट भी बंद कर रखा है यार, मुझे नहीं मालूम ये वाला गेट अभी कैसे खुलने वाला। ओ भाई पीछे वाली गाड़ी भी यहाँ पर फूट गई, अपनी गाड़ी ना गाइस पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, कुछ भी नहीं होने वाला हमारी गाड़ी को, ना ही अंदर हमारे किसी बंदे को। तो चलते रही ऐसी जैसे निकल, पीछे से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं भाई। अभी कोई ना फालतू छोड़े मत हो, तो यार मैं पीछे गलत जा रहा हूँ, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो यार बहुत सारे बंदे, गिनती नहीं है कितने बंदे हैं, एक टाइप से मतलब समझ लो 1000-2000 अभी स्वैट सोल्जर्स अंदर भरे भी हो सकते हैं। तो भाई देखो एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया था कि ये जो बेस है ना, इस बेस में इतना ज्यादा बारूद है, मतलब इतने सारे वेपन्स है कि अगर मैंने इधर एक बार भी हल्की सी भी आग लगा दी ना, तो ये पूरी की पूरी जगह, मतलब ये पूरा पूरा बेस जो है तबाह हो सकता है, हो सकता नहीं है हो जाएगा। तो अभी ना फ्रैंकलिन और मेरा यही प्लान था, और इसीलिए फ्रैंकलिन को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। तो अभी ना फ्रैंकलिन ने बाहर वाले गेट पर ये सारे के सारे बॉम्ब जो है प्लांट कर दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वाला जो गेट है ना बहुत ज्यादा तगड़ा है, इसको तोड़ना एक टाइप से इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके बोलता हूँ कि जल्दी से इस वाले गेट में बॉम्ब लगा दे और हम लोग यहाँ से बाहर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी सोल्जर थे उनको मैंने मार दिया। तो गाइस यार बस इस जगह पर ना हमें थोड़ी सी आग पहुंचानी है, मतलब कि गाड़ी फूटने पे भी आग निकलती है, लेकिन वो वाली नहीं, हमें ऐसी फ्लेम पहुंचाने की मतलब पूरी तबाही हो जाए। तो भी ना फटाफट से मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल देता हूं कि जल्दी से ना यहां पर ये वाला गेट जो है इसमें बॉम्ब लगाकर फोड़ दे। तो पीछे से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, उनको यहां पर अपना ट्रैवर देख लेगा, देख लो भाई ट्रैवर ने यहां पर अपना कट्टा निकाल दिया है। और जल्दी से ना अभी मैं फ्रैंकलिन को फोन करके बोल देता हूं कि ये वाला गेट खोल दे। तो कि गाइस अभी ना मेरी यहां पर फिलहाल फ्रैंकलिन से कॉल पे बात हो गई, उसने कहा था बॉम्ब लगाया और ये देखो भाई उसने बॉम्ब यहां पर फोड़ भी दिया। तो देखो यार अभी ना पीछे वाला गेट खुल गया और सामने की तरफ से ना बहुत सारे सोल्जर्स आ गए, तो इनको लग रहा है ये लोग अभी भी हमें मार सकते हैं। तो भी ना फटाफट इनको ना मारने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मैं गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेता हूँ। ट्रैवर जल्दी गाड़ी में बैठ भाई, सब ट्रैवर की भी बहुत सारी गोलियां पड़ गई है, जल्दी ट्रैवर गाड़ी में बैठ यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। और अभी ना यहाँ पर और भी सोल्जर्स आ रहे होंगे भाग के, इसलिए मेरे पास जो ग्रेनेड्स है ना उसको अंदर फेंक देता हूँ और इस वाले एरिया में ना आग लगा देंगे। और अब आप देखते जाओ ये पूरा का पूरा बेस जो है ना तबाह होने वाला। ओ भाई साहब क्या धमाका हुआ है, जल्दी से निकलो वरना पता चले आग जो है चलती हुई यहाँ पर आ जाए। और पीछे वाली गाड़ी में यहाँ पर फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया बैठे हैं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो टनल के अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक आग लग चुकी है। तो भाई अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, ये वाली टनल का भी गेट तोड़ना पड़ेगा और मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा तगड़ा धमाका होने वाला है। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना देखते ही देखते टनल के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं आने लग गया है, मतलब कि अंदर का जो बारूद है वो जलने लग गया है। अभी ना फटाफट एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन वगैरह तो उस साइड से चले गए, अभी मैं एक काम करता हूँ ना मैं इधर से निकल जाता हूँ। अभी फटाफट से यहाँ पर मैंने ग्रेनेड डाल दिया है और फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ के मैं चलता हूँ पीछे की तरफ। और ये देखो भाई यहाँ पर इतनी तगड़ी तबाही हो चुकी है और सामने की तरफ से पुलिस वालों ने भी आना शुरू कर दिया है। भाई इनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ, वैसे यार देखो पुलिस भी जो है ना मैंने आपको बताया था इसके अंडर में ही है। तो भी फटाफट से ना यहाँ से हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा धमाके बहुत ज्यादा धुआं जो है आए जा रहा है। और भी फटाफट से यहाँ पर मैं सभी लोग की गाड़ियां तोड़कर जल्दी से निकलने वाला हूँ। अच्छी बात तो ये है कि ये वाला जो टनल का गेट था ना ये इतनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टूटने वाला था, बट यार जो अपना ग्रेनेड था ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए गेट बहुत ज्यादा आसानी से खुल गया। और अभी अपनी गाड़ी कहाँ पर आकर गिर गई
गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ भाई साहब ये देखो, अभी जल्दी से यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। सामने की तरफ में भी बहुत सारे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है और ये लोग मतलब कि पूरा पूरा रास्ता बंद करने की कोशिश में है। अब यार देखो, दिक्कत की बात ये है ना कि फ्रैंकलिन वगैरह के पीछे भी ना पुलिस बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पड़ गई थी। बट यार अच्छी बात यह है कि ना मेरे को लग रहा है मैक्सिमम पुलिस जो है ना मेरी गाड़ी के पीछे पड़ी हुई है, तो उनके पास तो यार देखो बुलेट प्रूफ व्हीकल है नहीं, तो अगर उनके पीछे पुलिस पड़ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हम लोग तो अपना बच जाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इस गाड़ी में है हमें कोई भी पुलिस वाला कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी गाड़ी में गन्स भी लगी हुई है और दूसरी चीज गाड़ी अपनी बुलेट प्रूफ है। और ये देखो यहाँ पर लायन जा रहा था, उसको मैंने छोड़ दिया, वरना भी अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती। तो भी ना बस मेरे को ये वाला रेलवे ट्रैक पकड़ना है एक बारी। ओ भाई साहब क्या गाड़ी है, इतनी मस्त तरीके से जंप मार के ऊपर आई है भाई, बहुत सही। अभी फटाफट मेरे को ना ये वाला जो है रेलवे ट्रैक पकड़ना है, और अगर कोई भी टनल आती है तो मैं फटाफट से टनल के अंदर एंटर हो जाऊंगा और पुलिस वालों से जल्दी से पीछा छुड़ा लूंगा। अगर भाई साहब ये गाड़ी में मान लो बाई चांस आग लग जाएगी तो फिर हम लोग भाई बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तो वैसे मुझे पता है इस गाड़ी में आग नहीं लगने वाली, क्योंकि यार जो गाड़ी इतने ज्यादा तगड़े तगड़े धमाकों से बच के निकल आई वो गाड़ी भाई अब नहीं फूट सकती। तो भी फटाफट से इस गाड़ी को भगाते भगाते मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा। और आगे की तरफ में ये कैसा मौसम हो रहा है, पीछे की तरफ इतना सही मौसम था और यहाँ पर तो भाई बहुत ज्यादा बादल है। मेरे को लग रहा है ना लॉस सैंटोस साइड पर तो बारिश हो रही होगी। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना यहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी है जो कि मेरे आगे चला रहा है तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर ना सोच रहा हूँ कि इसको उतर के मारूं, लेकिन छोड़ो यार अभी हम लोग मारे जाएंगे बेमतलब में। और आगे की तरफ में बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है भाई, खुद ये लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूरा का पूरा हाईवे खाली करवा दिया लग रहा पुलिस वालों ने, कोई भी गाड़ियां मेरे को नजर नहीं आ रही। अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से सीधा निकल लेते हैं ट्रैवर के एक्लिप्स टावर के लिए, वरना यार किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुप के बैठ जाएंगे जहां पर पुलिस वाले बिल्कुल भी ना आ पाए। तो भाई देखो, आप में से ना बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार बिग माफिया का बेटा नहीं मरा, लेकिन यार अच्छी बात यह है कि लेस्टर वहां से बच गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ना अभी फटाफट से लेस्टर ने एक जगह बताई है जहां पर अगर हम जाएंगे तो पुलिस वाले ना शायद से वहां पर नहीं आ सकते, और अगर वहां पर भी पुलिस वाले आ जाते हैं तो फिर समझ जाना भाई लॉस सैंटोस में कोई जगह ही नहीं बची है जहां पर हम लोग छुप सकते हैं। तो भी फटाफट से उस जगह पर मैं चलता हूँ। यहाँ पर किसी फैक्ट्री की ये बात कर रहा है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर तो पुलिस वालों का डिपार्टमेंट है, तो इधर तो हमें जाना नहीं है। इतनी सारी पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई अंदर। तो ये देखो ये आ गया फैक्ट्री वाला एरिया, तो मुझे ना फटाफट यहाँ पर अंदर की तरफ में एंटर होना है। और यहाँ पर आगे कोई रेलवे ट्रैक है, उस तरफ में मेरे को जाकर छुप जाना है, वहां पर शायद से पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। तो देखो भाई इस जगह की लेस्टर बात कर रहा था। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी पता नहीं कैसी जगह है, कौन सा वेयर हाउस है जो भी है, लेकिन इस जगह पर हम लोग आकर छुप गए हैं और पुलिस वाले ना अभी भी शहर में चक्कर लगा रहे हैं हमको ढूंढने के लिए। लेकिन यार अभी पता नहीं हम लोग यहाँ पर कितनी देर तक सेफ है। तो बिना फटाफट थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकेंगे और जैसे मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और ये पता नहीं कौन सी जगह है अंदर की तरफ में, यार पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं अजीब सी जगह है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 600,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल को कंप्लीट कर दो। और जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार जल्दी से प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।